हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज आप देख सकते हो मैंने अपने फोन को यहाँ पर आई ओ एस में बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया आई ओ एस फिफ्टीन में एंड यहाँ पर अगर आप कोई कॉल वॉल भी करते हो तो आपको जो है बिल्कुल आई ओ एस वाला लुक आपको इसमें देखने को मिल जाता है देख सकते हो कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर अगर बात करें कंट्रोल सेंटर की तो कंट्रोल सेंटर भी कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है जिसमें जो है आप अपना ब्राइटनेस लो कर सकते हो साउंड बढ़ा सकते हो घटा सकते हो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया तो नीचे लाल वाला बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो लाइक शेयर जरूर से कर देना सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट सो so गाइज़ आज मैं बात करूंगा कि आप अपने फ़ोन को जो है इस तरीके से कैसे कंप्लीट तरीके से अपने फ़ोन में जो है आई को इनेबल कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो आई ओ सिक्सटीन दिखा रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेकिन ये जो थीम है ये आई ओ एस फिफ्टीन पर बेस्ड है एंड यहाँ पर इसकी पूरी सेटिंग्स मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं डायलर की बात करता हूँ तो डायलर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर फेवरेट में कुछ इस तरीके से है एंड रिसेंट में जो भी मैंने कॉल किया जो भी सारी चीज़ें हैं मिस्ड कॉल पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल पूरा कंप्लीट आई वाला है कॉन्टैक्ट में जाओगे तो कुछ इस तरीके से ये सारे देखने को मिलते हैं अभी मैंने एक ही कॉन्टेक्ट यहाँ पर सेव किया है तो देख सकते हो ये आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है देख सकते हो कुछ इस तरीके से तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड यहाँ पे कीबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है अगर मैं किसी को कॉल लगाता हूँ यहाँ से तो आप लोग देख सकते हो कि आई वाला पूरा लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एंड यहाँ पर कोई कॉल भी आता है तो भी वो आई वाला जिस तरीके से डायलर जिस तरीके से कॉलर स्क्रीन आती है सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको देखने को मिल है एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंट्रोल सेंटर की जो आई का है तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आप वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हो कोई भी गाना वाना सुन सकते हो यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ ऑन कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये काम करता है एंड यहाँ पर अगर आप डी लगाना चाहते हो तो डी लगा सकते हो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं यहाँ पर तो आपको जो है इसको कुछ परमिशंस देने पड़ते हैं उसके बाद ही ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं तो कुछ इस तर... 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 तरीके से देख सकते हो ये सारी चीज़ें एंड यहाँ पर अगर मैं लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो लॉक स्क्रीन में देख सकते हो कुछ इस तरीके से आता है एंड यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से इस तरीके से स्वाइप डाउन करोगे तो देख सकते हो आपको ये सारे देखने को मिलते हैं ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है देख सकते हो आपको बहुत सारी सेटिंग्स से यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल जाती हैं एंड यहाँ पे अगर मैं चलूँ मेन सेटिंग में तो मेन सेटिंग में आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे मैंने वाईफाई पर गया तो यहाँ पर ये जो टैब है ना देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ओपन होता है क्लोज होता है ये बहुत ही अच्छा लगता है एंड यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन साउंड हैप्टिक तो यह देख सकते हो यहाँ पर सारे आइकन जो है पूरे आपको जो है वो iOS वाले देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है तो गाइज यार आप कैसे इस तरीके से कर सकते हो आपको जो है कम्पलीट तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले मैं अपने फोन को जैसे आप मतलब यहाँ पर इनिशियल स्टेट में रहता है फोन उस तरीके से कर दे रहा हूँ उसके बाद आप जो है कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे वो मैं बताऊँगा आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप तो वीडियो पर बने रहना गाइज ओके तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है कंप्लीट तरीके से जो यहाँ पे डिफॉल्ट वाला सारी चीज़ें रहते हैं वो मैंने यहाँ पे कर लिया है एंड लॉक स्क्रीन भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने वही वाला कर लिया है ठीक है तो अब आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ तो स्टेप वन स्टेप वन में गाइज आप लोग को क्या करना है एक फाइल आपको डाउनलोड करनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लेना देख सकते हो ये वाली फाइल है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ये आई का थीम है कस्टम थीम है जिसकी वजह से आपका जो लुक है वो पूरा कंप्लीट चेंज हो जाता है इस थीम की वजह से तो इसको जो है सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आप लोग को जो है यहाँ पर एक इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा तो जनरली ये जो ऑप्शन है ये शाउमी डॉट यू रोम पे दिखता है ठीक है अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा है आप इंडियन रोम पे हो तो आप जो है यहाँ पर आ, अपने थीम स्टोर में आकर के आईफोन एक्स सर्च करोगे तो आपको ये थीम देखने को मिल जाएगी तो पहली वाली एक्स थीम को आपको जो है इंस्टॉल कर लेना और ई वाले क्या करेंगे ई वाले इस तरीके से इम्पोर्ट करेंगे ठीक है तो ये थीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है यहाँ से आपको जाना है इस तरीके से डाउनलोड पर जाना है एंड यहाँ पर इसको जो है ओके कर देना ठीक है उसके बाद जब ये कंप्लीट तरीके से ऐड हो जाएगा देख सकते हो मैंने दो बार ऐड तो कर दिया है तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ठीक है तो कुछ इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद अप्लाई कर देना है ठीक है अप्लाई करने के बाद आपको एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना ठीक है तो ये मैं पूरा अप्लाई हो जाता है फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट मैं कर लूँगा उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ ठीक है गाइस तो यहाँ से मैं जो फ़ोन को अपने रीस्टार्ट कर लेता हूँ ओके गाइए रीस्टार्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कंट्रोल सेंटर ये वाला चेंज नहीं होगा ये तो ऐसे ही रहता है लेकिन जो सेटिंग्स आपकी पूरी हैं वो आपकी कंप्लीट तरीके से यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो गई हैं एज़ वेल एज़ आपका जो लॉक स्क्रीन है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से एंड यहाँ पे डाउन की तरफ स्वाइप करोगे तो ये सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप इस वाली सेटिंग टैप पर क्लिक करोगे उसके बाद आप जो है यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो ठीक है यहाँ आपको इसको लाने के लिए आपको ये जो एक हल्का सा लाइन आपको दिख रहा है ना इस पर इस तरीके से स्वाइप डाउन करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी ठीक है उसके सेटिंग पे जा करके आप इसको चेंज कर सकते हो ठीक है एंड यहाँ पे जो नॉर्मल डायलर है आपका वो भी आईओएस में चेंज हो जाता है लेकिन इसको यूज़ करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप जो है डायलर और उसके बाद जो है यहाँ पर मैसेजिंग ऐप कैसे आप जो है यूज़ कर तो सबसे पहले आपको क्या करना है आई कॉल डायलर इसका लिंक और इसका लिंक इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ पर आप लोग का जो आ, इसमें जो है थोड़ा बहुत आपको ऐड देखने को मिलेगा तो ऐड आपको फेस करना पड़ेगा ठीक है गाइज़ क्या कर सकते हैं गाइज़ यहाँ पर जो ऐप है वो फ्री यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया डेवलपर ने तो इस वजह से ऐड बहुत सारे दे दिए हैं तो ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यही काम करेगा कोई दूसरा मत डाउनलोड करना ठीक है तो सबसे पहले ये आई कॉल स्क्रीन को आपको ओपन करना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ इसको पूरी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी आपको तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑन हो रहा है कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ये टाइम लेगा सेटअप होने में देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ गया है तो यहाँ पर आपको जो है तो इसको स्टार्ट कर लेना कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे आपको जो है ये पहले पूछता है परमिशन वर्मीशन मैंने पहले से दे दिया तो इस तरीके से मेरे में नहीं पूछा तो देख सकते हो यहाँ पे कांटेक्ट है उसके बाद आपका जो रिसेंट है उसके बाद सब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं एंड यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं आप अपने हिसाब से इसको जो है यूज़ कर सकते हो अदरवाइज़ आप इसको डिफॉल्ट ही रहने दो अब यहाँ पर अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर जो आई की पूरी स्क्रीन है वो आपको देखने को मिल जाती है प्लस अगर किस कोई आपको कॉल करता है गाइज तो वो जो कॉल स्क्रीन है वो भी आपको कंप्लीट आईओएस वाली देखने को मिल जाएगी ये बहुत ही अच्छी बात है अब बात करते हैं जो कंट्रोल सेंटर हम लेकर के आते थे वो कैसे यहाँ पर हम करेंगे ठीक है तो स्टेप थ्री में हमारा ये होगा तो देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से ऑन होता है इसको आपको परमिशन्स देनी पड़ेंगी तो परमिशन देने के लिए आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे एंड यहाँ पर ये यह जो है आपका परमिशन हो जाएगा इसको इस तरीके से हम करेंगे उसके बाद हमारा जो ये है ऑन हो जाएगा तो अब देखो आपको क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ इसको देखो इसको आपको यहाँ पर ऐप इन्फो में आ करके यहाँ पर जो आप बैटरी ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है बैटरी सेवर इसको नो रिस्ट्रिक्शन पे सेलेक्ट कर देना ठीक है इसको भी एंड इसको भी ठीक है इसको भी आपको इस तरीके से कर देना है ये बैटरी सेवर पे रिकमेंडेड पे रहेगा तो आपको दोनों को नो रिस्ट्रिक्शन पे सेट कर देना है उसके बाद इस तरीके से ये आ जाएगा ये आने के बाद आप लोग कैसे इसको यूज़ करोगे मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो साइज़ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर इस तरीके से साइज़ में ये दिखाएगा ऊपर यहाँ पे जो अभी इस साइड पे आपको देखने को मिल रहा है ये इस तरीके से करोगे तो ये चीज़ हमको नहीं करना है हमको इसको टॉप पे करना है तो हमने टॉप पे कर दिया आप टॉप पे हमारी एक जो बॉर्डर है वो देखने को मिल रहा है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो जैसे डार्क ग्रीन करना है तो डार्क ग्रीन कर सकते हो यहाँ पे देख लो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है इस ऐप को जो है इस तरीके से आपको लॉक कर देना बैकग्राउंड में ठीक है एंड इसको बंद नहीं करना है इस ऐप को ऐसे ही छोड़ देना आप इससे कोई मतलब नहीं है आपका इसको लॉक करके ऐसे छोड़ देना उसके बाद जब इस तरीके से डाउन करोगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिले कि देख सकते हो एक यहाँ पर और पूछ रहा है परमिशन देने को तो ये मैंने दे दिया इसको मैंने ऑन किया एंड देन उसके बाद हमारा जो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा तो देख सकते हो यहाँ पर ये देखने को मिला है देन इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल सेंटर है आईओ वाला पूरा देखने को मिलता है यहाँ पर ब्लूटूथ अगर मैं ऑन करता हूँ तो देख सकते हो ब्लूटूथ हमारा ऑन हो गया है एंड यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से वॉक भी करता है गाइस तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वॉक करती हैं कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है तो यहाँ पे और सारे परमीशन अभी देने हैं यहाँ पे ये परमीशन सही से इसको मिला नहीं है इस वजह से यहाँ पे ये ऑन नहीं हो रहा है तो ठीक है इस तरीके से आप लोग को करना है जब आप पहली बार इसको इंस्टॉल करोगे तो बहुत सारे परमिशंस पूछते हैं सारे परमिशन्स आपको दे देना है उसके बाद ये कंप्लीट तरीके से जो है वॉक करने लगेगा गज तो कुछ इस तरीके से आप लोग को करना था आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर भी कर देना एंड पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना सो so, आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू ओके बाय बाय बाइस